राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए कल होगी वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा। मतगणना प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। जिला मुख्यालयों में वोटों की गिनती के लिए सारी तैयारियां पूरी। डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी मतगणना। दूरदर्शन पर कल प्रसारित होगा विशेष कार्यक्रम जनादेश 2018। और संसद का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। आज नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल सुबह 8 बजे से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए स्ट्रांग रूमों और मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच कल सुबह 7 बजे सभी जिला मुख्यालयों में स्थित स्ट्रांग रूमों के सील खोले जाएंगे। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट को मतगणना केंद्रों के लिए ले जाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार वोटों की गिनती के कार्य में पारदर्शिता बरतने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों की मांग पर इस वीडियोग्राफी की प्रमाणित कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि मतगणना केंद्रों में 3 चक्रों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहां प्रत्येक स्तर पर अधिकृत पहचान पत्र की जांच के बाद ही किसी को प्रवेश दिया जाएगा। इन केंद्रों में प्रेक्षक के अलावा केवल रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। वहीं आयोग के निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि और अन्य सुरक्षा प्राप्त कर्मियों को गणना अभिकर्ता के रूप में जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना शुरू होने से पहले कल सुबह 7:59 तक प्राप्त डाक मत पत्रों को स्वीकार किया जाएगा। साथ ही मतगणना शुरू होने के बाद सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 से ईवीएम के जरिए मतों की गिनती का कार्य शुरू होगा। गिनती का हर चक्र पूरा होने और परिणाम घोषित होने के बाद ही अगले चक्र की मतगणना शुरू हो सकेगी। इस बीच रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर बसवराजू एस ने बताया कि मतगणना के लिए नियुक्त किए गए मतगणना सुपरवाइजर, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को आज अंतिम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव परिणामों को लेकर लोगों की उत्सुकता अपने चरम पर है। कल कुछ हाई प्रोफाइल सीटों के परिणामों पर भी छत्तीसगढ़ सहित देश भर की नजरें टिकी रहेंगी। परिणाम सामने आते ही ये साफ हो जाएगा कि राज्य में अगली सरकार किसकी होगी। प्रदेश के 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम में कैद 1269 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य भी स्पष्ट हो जाएगा। खासतौर पर राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में होने वाला मुकाबला काफी रोमांचक माना जा रहा है। वजह है इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला कांग्रेस से आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य सरकार के कई मंत्रियों की चुनावी किस्मत भी कल तय हो जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, प्रेम प्रकाश पांडे, राम सेवक पैकरा, महेश गागड़ा और केदार कश्यप शामिल हैं। वहीं अन्य दिग्गज नेताओं में गौरीशंकर अग्रवाल, ओपी चौधरी, टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल, अरुण वोरा, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल, अजीत जोगी और रेणु जोगी चुनावी मैदान में हैं। उनके परिणामों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
कुछ सीटों पर जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, वहीं कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से वहां के चुनाव परिणामों को लेकर भी लोगों में खासी दिलचस्पी है। रायपुर के अलावा अन्य जिलों में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में आज कोरिया जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र दुग्गा ने बैकुंठपुर स्थित मतगणना केंद्र का जायजा लिया। उनके साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी थे। कोरिया जिले की 3 विधानसभा सीट भरतपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर के वोटों की गिनती की जाएगी। श्री दुग्गा ने बताया कि मतगणना स्थल पर 3 चक्रों की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही किसी को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं गरियाबंद के कृषि उपज मंडी में मतगणना केंद्र बनाया गया है। जिले में राजिम और बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना की जाएगी। यहां के एक चरभट्टी नामक मतदान केंद्र में मॉकपोल के मतों को गलती से डिलीट नहीं किया जा सका था, जहां के वोटों की गिनती वीवीपैट की पर्ची से की जाएगी। मतगणना केंद्र से दूर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। मतगणना केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी तरह दुर्ग जिले में भी मतगणना को लेकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो चुकी हैं। जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। डाक मतपत्रों की गिनती के साथ यहां मतगणना शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश अग्रवाल ने बताया कि जिले के प्रत्येक विधानसभा के मतों की गिनती के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं। सभी प्रकार से मीडिया सेंटर अलग बनाया गया, एक अंदर बनाया गया जिसमें अधिकृत पास ले जा सकेंगे। इसके अलावा बाहर भी कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया है। अभ्यर्थियों के लिए उनकी अलग व्यवस्था की गई है। मतगणना जो कर्मी है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। राउंड की जहां तक बात है, 14 टेबल एक एक विधानसभा में है और जितने भी वहां के बूथ हैं, जितने भी मतदान केंद्र हैं सहायक मतदान केंद्र सहित, तो एक टेबल पे एक बूथ की गणना होगी। तो इस प्रकार से कहीं 14 राउंड भी है, कहीं 15 राउंड भी है, कहीं 16 राउंड भी है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी निर्वाचन आयोग ने पारदर्शितापूर्ण मतगणना के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज बंसोड़ ने बताया कि मतगणना सहायकों के रूप में महिला कर्मियों को नियुक्त किया गया है। सहायक है मतगणना सहायक, सभी के सभी मतगणना सहायक जो है महिला कर्मियों को लगाया गया है और उसके अलावा कुछ कुछ काउंटिंग एआरओस भी जो अपॉइंट हुए वो भी महिला। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के एक एक मतदान केंद्रों में मॉकपोल के वोट डिलीट नहीं हो पाने की वजह से इन तीनों केंद्रों में मतों की गिनती वीवीपैट के माध्यम से कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ सहित कल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की जाएगी। ऐसे में परिणामों से जुड़ी पल पल की खबरों से दर्शकों को रूबरू कराने के लिए दूरदर्शन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में दूरदर्शन केंद्र भोपाल से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों से जुड़ी खबरें प्रसारित की जाएंगी। विशेष कार्यक्रम जनादेश 2018 का प्रसारण कल सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 4 बजे तक चलेगा। इसे दूरदर्शन डीटीएच सेवा के डीडीएमपी छत्तीसगढ़ पर देखा जा सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अरुण जेटली, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआई नेता डी राजा और टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने भाग लिया। इस बैठक में सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों से सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में 20 बैठकें होंगी। इस दौरान 8 महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में और 15 विधेयक लोकसभा में पेश किए जाएंगे। करीब 1 महीने तक चलने वाला यह सत्र अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का अंतिम पूर्ण सत्र होगा। प्रदेश के मौसम में आज सुबह अचानक बदलाव हुआ। इसके असर से राजनांदगांव में तेज बारिश हुई। सुबह से ही बदली छाए रहने के बाद राजनांदगांव में तेज बारिश शुरू हो गई। इस वजह से कुछ धान खरीदी केंद्रों में कई क्विंटल धान के भीग जाने की खबरें मिली हैं।
बताया जाता है कि इन धान की बोरियों को ढककर नहीं रखा गया था, इसके चलते धान की बोरियां भीग गई। राजनांदगांव शहर के ढाबा धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक झमन लाल निर्मलकर ने बताया कि इस सोसाइटी में अब तक करीब 21,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। इसके अलावा तेज बारिश की वजह से राजनांदगांव में आज जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बच्चों को स्कूल जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठंड के मौसम में स्कूली बच्चे और कामकाजी लोग बारिश से बचने के लिए रेनकोट और छाते का इस्तेमाल करते नजर आए। रायपुर के अलावा कई अन्य शहरों में भी आज सुबह हल्की बूंदाबांदी या बारिश होने के समाचार मिले हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर राजधानी रायपुर के अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अपने संदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राज्यपाल ने शहीद वीर नारायण सिंह के योगदान का स्मरण करते हुए उनके सपनों को साकार करने का प्रयास जारी रखने का आह्वान किया। इसी तरह मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने संदेश में उनकी शहादत का स्मरण किया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और मातृभूमि के प्रति उनका स्मरण युगों युगों तक याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह ने सन 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता में देशभक्ति की भावना का संचार किया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के छत्तीसगढ़ घुड़सवार रेजिमेंट के तत्वावधान में दुर्ग में कैडेटों के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में एनसीसी कैडेटों को फायरिंग और मैप रीडिंग के साथ ही अन्य सैन्य गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही कैडेटों ने घुड़सवारी में भी रोमांचक करतब दिखाए। रायपुर एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर डीबी पाणी ने बताया कि इस शिविर से चयनित बच्चे ग्वालियर में आयोजित इंटर ग्रुप स्पर्धा में भाग ले सकेंगे। वहीं चुनिंदा कैडेटों को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। नॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे मैप रीडिंग या फायरिंग या टेंट पिचिंग, बाकी ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग को छोड़कर स्पेशलाइज ट्रेनिंग घुड़सवार का ऊपर दिया जाता है। और यहाँ पे जो घुड़सवार का वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, जिसमें हॉर्स शो जंपिंग है, देन ड्रेसिंग है, ये सारे जो कंपटीशन है यहाँ पे कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के बाद ये इसमें से सिलेक्टेड कैडेट इंटर ग्रुप कंपटीशन में जाएंगे ग्वालियर में, और वहाँ पे कंपटीशन में जो सिलेक्टेड फाइनली होंगे वो फाइनल रिपब्लिक डे 2019 में वहाँ पे जाएंगे और हिस्सा लेंगे। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के संयुक्त सचिव आर.के. सिसोदिया ने इस शिविर का निरीक्षण भी किया। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के 6 बड़े शहरों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार ठंड के मौसम में राज्य के प्रमुख औद्योगिक शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने, नियंत्रित रखने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पटाखों पर रोक लगाई गई है। रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा में इन 2 महीनों के दौरान लोग पटाखे नहीं जला पाएंगे और क्रिसमस और नववर्ष को ध्यान में रखकर रात्रि 11:55 से 12:30 तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के अनुसार ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, इसे मापदंडों के अनुरूप बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मंडल के अनुसार बीते 2 वर्षों से जारी प्रयासों की वजह से रायपुर के प्रदूषण स्तर में काफी सुधार हुआ है और वायु की गुणवत्ता बेहतर हुई है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए कल होगी वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा। मतगणना प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। जिला मुख्यालयों में वोटों की गिनती के लिए सारी तैयारियां पूरी। डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू होगी मतगणना। दूरदर्शन पर कल प्रसारित होगा विशेष कार्यक्रम जनादेश 2018।
और संसद का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू। आज नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।